लाइफ इज नॉट ईजी, ये तो आपने सुना होगा, एंड इन फैक्ट इट्स ट्रू। लुक अराउंड यू, अपने आसपास लोगों को देखें, आपको हर एक इंसान परेशान, हैरान, दुखी, टेंशन से भरा हुआ दिखेगा। बहुत मुश्किल से आपको ऐसे इंसान मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे दैट लाइफ इज परफेक्ट, आई एम परफेक्टली हैप्पी विद माई लाइफ, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। हर एक इंसान किसी न किसी दुख को पकड़ के बैठा ही होता है, लेकिन आज मैं आपको माई ऑनर, मेरा सौभाग्य, माई प्लेजर, एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूं जो कि कहते हैं कि दैट इज नॉट द वे टू लिव। परम पूज्य चामुंडा स्वामी जी कहते हैं दैट एवरी सिंगल पर्सन हैज द पोटेंशियल टू अचीव लास्टिंग सक्सेस, पीस एंड हैप्पीनेस। इनके लाखों करोड़ों भक्त से आप बात करें, सब सुखी। मेरा नाम मीना है, मीना रघुतु, मैं स्टेटन आइलैंड न्यूयॉर्क सिटी में रहती हूँ। स्वामी जी का जो पर्सनालिटी है ना, इनके पास एक ही बार गए समझो, वो जो तसल्ली देते हैं ना, वो पहली बार आपको इतना कंफर्ट देते हैं उनके बातों में कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसी टाइम सॉल्यूशन बताते हैं, वो निगेटिव कभी बात नहीं करते ना, आपको कभी डिस्करेज करते, इनफैक्ट वो आपको ज्यादा एनकरेज करते हैं। डिस्करेज उनकी उनके मुंह में कभी भी मैंने सुना नहीं, अभी 1.5 साल होने को आ रहा है। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, और आप है बोल के हमारी आज जिंदगी है। नमस्ते, मैं संदीप सहगल न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड से बोल रहा हूँ। अगर जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं स्वामी जी को याद ही करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है याद करने पे कि मुझे क्या करना है। व्हेन यू मीट हिम ना, देन यू रियलाइज कि ये हमारे और आपकी तरह वो नहीं है। सब तो बढ़िया स्वामी जी, जय माता दी। स्वामी जी इसको बड़ा कोई वर्ड से थैंक यू है ही नहीं। तो ठीक है जी, शुरू करते हैं। जय माता दी हर वेंसडे को शक्ति क्रिया हम देसी रेडियो पर, जहां पर एस्ट्रोलॉजी, ध्यान, प्रार्थना से आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं परम पूज्य चामुंडा स्वामी जी से, और अगर आप आने वाले हफ्तों में इनसे बात करना चाहेंगे, कॉल मी नाउ। हमारा नंबर 1877-337-4321 एक्सटेंशन 305, 1877-337-4321 एक्सटेंशन 305। गुरुजी थैंक यू कि आज आपने कुछ समय निकाला हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है बेटे, आप जैसे बच्चे के साथ काम करके रियली प्राउड फील हो रहा है बेटे। आप बहुत कृपा करें बेटा, बहुत शक्ति दें। आप बहुत अच्छे बच्चे और बहुत आगे बढ़ने वाले हो। सच में माँ शारदा की, माँ सरस्वती की आपके ऊपर बहुत कृपा है। ऐसे बच्चे के साथ काम करके तो मेरे जैसे व्यक्ति को सच में बेटा अपने अंदर एक रिस्पेक्ट फील हो रही है, प्राउड फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपके बारे में मैंने काफी लोगों से बात की है कि आप कैसे लोगों को मिलते ही देखते ही भाप लेते हो कि उनके मन में क्या जा रहा है, उनकी जिंदगी में क्या जा रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ और आगे क्या होने वाला है। ये शक्ति आपको कब पता चला कि आप में है? हर्ष जी सच पूछो तो कभी भी नहीं पता चला। मेरे गुरुदेव ने मुझ पे कृपा की। मैं बचपन से गुरु महाराज के चरणों में रहा जी, और ये सब उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा का फल है। जो उनसे सीखा तो अब मैं सब आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो चीजें उन्होंने मुझे दी, उनको मैं आज तक भी बेटा पूरा नहीं कर पाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले ना सुनता था, शास्त्र में पढ़ता था कि जन्मों के जन्म लग जाते हैं, और आज सच में मुझे लग रहा है कि जो जो विद्या है इतनी विशाल है, इतनी विराट है कि इस जन्म में तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगता है, और मैं समझता हूँ इस सबकी जो कुंजी है, जो इस सबकी चाबी है, वो प्यार है। जब आप अंदर से सबको प्यार करते हो तो वो प्यार मल्टीप्लाई होता है, आपको भी सब जगह से मिलता है, उसी से आगे का सिलसिला शुरू हो जाता है। और आज से ये प्यार और भक्ति का सिलसिला शुरू। कोई सवाल गुरुजी से अगर पूछना चाहते हैं हमें अभी फोन करें, नंबर हमारा 1877-337-4321 एक्सटेंशन इज 305, 1877-337-4321 एक्सटेंशन 305। हमारे साथ आज परम पूज्य चामुंडा स्वामी जी। गुरुजी आपने ये स्पिरिचुअल पाथ का रास्ता किस उम्र में आपने फॉलो करना शुरू किया? सही सवाल पूछा, पर मुझे इस सवाल के लिए एक बचपन की घटना में जाना पड़ेगा। बताइए, जरूर बताइए जी। मैं 7th क्लास में पढ़ता था जी, और पंजाब में एक गांव है छोटा सा, श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के नाम से, श्री हरगोबिंदपुर। अरे मैं जानता हूँ जी, मैं खुद पंजाब से, मैं लुधियाने से हूँ।
मेरे गुरु महाराज वहाँ रहते थे, वैसे वो अध्यापक थे अपने जमाने के, अरबी के, फारसी के, संस्कृत के, उर्दू के, चार चार एमए थे वो, बहुत 29-40 के करीब बुक्स लिखी हैं। वहाँ रहते थे, कोई शाम के 6 बजे की बात होगी, मैं भी उनके ही पास रहता था, मैं पढ़ रहा था 7th क्लास में। दो लोग आए, कहा कहते गुरुजी हमारी ना, एक उनके फादर थे बेटा था, बोले गुरुजी हमारी वाइफ, इनके बेटे की वाइफ जो है हॉस्पिटल में है और उसकी डिलीवरी है, उसकी प्रेगनेंसी के लिए, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि जहाँ बच्चा बचेगा जहाँ जेब बचेगी दोनों को खतरा है, ऐसी स्थिति के लिए डॉक्टर बात कर रहे हैं। तो हम बहुत परेशान हो गए हैं, 68 की शायद बात होगी। तो इन्होंने गुरु जी कुछ बोले नहीं, तो मैं सोचा जी बात करते जा रहे हैं, गुरु जी कुछ बोल नहीं रहे, तो उन्होंने जैसे ही कुर्ता वगैरह पहनना तो चल पड़े, मुझे बोले बेटा तू भी आ जा। मैं साथ गया, तो वहाँ जहाँ पे वो बहन लेटी हुई थी वहाँ चले गए, उसके माथे पे हाथ रखा ऐसे, उसको सर पे हाथ रखा, हाथों को ऐसे पकड़ के देखा, देखने के बाद में बाहर आ गए, बोले इनको बेटा होगा और ये बच जाएगी, आप चिंता नहीं करो, 2 घंटे का टाइम चाहिए। मुझे ऐसा कहा, तो तब तक ये डॉक्टर के साथ बात करने लग गए, वहाँ पे 2 नर्स खड़ी थी और 1 आदमी खड़े थे, तो वो कहने लगे कि देखो लोगों को आज भी भ्रमों में पड़े हैं, वहमों में पड़े हैं, जब डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं तो ये क्या करेंगे ना। तो मेरे मन में भी बेटा ऐसी बात आ गई, मैंने सोचा कि सच बात है, तो मैं घर में आ गया, तो मैंने सोचा कि कल मैं ना गाँव चला जाऊंगा, तो मैं इनके पास नहीं रहूंगा, कल एक बात गलत हो जाएगी तो लड़के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक उम्र ऐसी होती है जब आदमी अपने साथियों के बारे सोचता है कि वो मजाक नहीं करें, उसकी वही दुनिया होती है ना। सही जी, बिल्कुल सही जी। तो मेरे मन में ना ऐसी बात आ गई कि लड़के मजाक करेंगे तो मैं कैसे चलाऊंगा इस बात को। रात के 9:30 बजे फिर किसी ने दरवाजा नॉक किया, तो मुझे गुरु जी ने अंदर से आवाज दी कि वो लोग आए होंगे और ठीक ठाक है, तो मैं अभी नहीं मिलूंगा, उनको बोलना कल सुबह मिले। तो बेचारे अपने हिसाब से गांव के लोग गुड़ वगैरह लेके आए, कुछ दे के आए, मैंने रख लिया। मैं मन में सोच रहा था कि बताने आए होंगे भी किसी की डेथ हो गई, कुछ ऐसा हो गया। मुझे आज बहुत गलानी होती उस बात पे, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे मन से अच्छा नहीं लगता है। तो देखा तो बहुत खुश थे लोग, बोले बेटा हुआ है। तो मैं हर्ष जी पूरी रात नहीं सो पाया, मैं सोचा क्या करूं, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। जैसे गुरु जी 1:30-2 बजे उठते थे, तो 2 बजे मुझे बैठे देखा उन्होंने, बोले क्या कर रहा है बेटा तुम, इस टाइम में सोया नहीं है। मैं रो रहा था, मेरी आवाज भा रही, मैं मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तुम आपको तो पता चल जाएगा, तो मुझे माफ कर दो। बोले माफ किया, तो बोले अभी सो जा। मैं सोऊंगा नहीं, मेरे मन में ना एक प्रार्थना है, मैं समझूंगा तभी आपने माफ किया कि आप मुझे ये विद्या सिखाओ। ये 10 साल बाद पता चला कि ये उन्हीं की लीला थी, मुझे इसीलिए साथ ले गए, वहां कुछ किया, तब से बेटा उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। और मैं 8th क्लास के एंड तक मैं पूरी हॉरोस्कोप बना लेता था, तब के जमाने में हाथ से हॉरोस्कोप बनाते थे ना, कंप्यूटर तो अभी आया पूरी, हाँ पूरी बना लेता था। और 9th में मैंने देखना सीख लिया, कभी कभी जो बड़े ज्योतिषी लोग थे उनकी हॉरोस्कोप बना के भी देता था उनको। और 10th क्लास तक मुझसे, जो मैं स्कूल में पढ़ता था, आज भी मेरे तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे सब भी मुझसे हॉरोस्कोप दिखाते थे, मेरा ज्योतिष में इतनी रुचि थी। 10th तक मैं स्टूडेंट कम होता था, ज्योतिषी ज्यादा बना हुआ था। तो तभी से बेटा चलते 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 माता रानी के चरणों से, चरणों की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, बस ये सिलसिला बेटे चलता गया। पर मुझे जो अनुभव हुआ वो सच में लोगों से हुआ, मैंने जैसे करना शुरू किया वो अनुभव जो है, हाँ। मुझे लगता है वो अपना है बेटे, जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो धार का है, वो हमारा नहीं है, पर जो अनुभव है प्रैक्टिकल वो हमारा है, हम प्रैक्टिकल के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो मुझे जो अनुभव हुए उन्हीं को मैंने फिर लोगों में बांटना शुरू किया, और उस अनुभव का लाभ आप उठा सकते हैं। परम पूज्य चामुंडा स्वामी जी से अगर बातचीत करनी हो, अगर उनसे कोई सवाल पूछने हो, तो कॉल करना शुरू कर दीजिए। हमारा नंबर 1-877-337-4321 extension 305, 1-877-337-4321 extension 305। तब से लोगों की इतनी मदद करते आए हैं, इतने लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, रोज कोई ना कोई आपसे कुछ ना कुछ या तो मांगता है या पूछता है, तो बाहर नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटी का, दूसरों के दुख का बाहर नहीं होता। मुझे लगता है कि ज्ञान बेटा बांटने से बढ़ता है और ज्यादा ना, धन भी बांटने से बढ़ता है, उसमें बरकत होती है ना, धन जिस काम के लिए भगवान ने दिया हो उस काम में आ रहा हो। तो मुझे लगता है कि लोग सही रास्ते पे लग रहे हैं, लोगों को सही रूप से लाभ हो रहा है, और लोगों की
दुआ में, लोगों के आशीर्वाद में हर्ष जी बहुत बड़ी ताकत है। मैंने साक्षात रूप से महसूस किया, लोग जो है भगवान उन्हीं में ही निवास करता है। एक बात सोच के चलो, तो व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है बेटा, मैं सच मन से कह रहा हूँ कि सब करने वाली वो माँ भगवती है, माँ देवी है, माता जी है, परमात्मा है, अल्लाह है, खुदा है। मुझे मुफ्त का ही क्रेडिट मिल जाता है, सब वो करने कराने वाला है। लोग अपने आप पूजा पाठ करते हैं, मैं बताता हूँ भगवान उनको फल देता, तो ऐसे ही मुझे क्रेडिट मिल जाता है मुफ्त का। तो मुझे लगता है कि चलो भाई, माँ तेरी बड़ी कृपा, तूने ऐसा इतना इज्जत दे दी, इतना क्रेडिट दे दिया, बहुत बड़ी बात है। पर गुरु जी, मुश्किल तो होगा ना एक स्पिरिचुअल लीडर बनना और लोगों को सही राह दिखाना। कभी कभार लोग तैयार नहीं होते हैं सही रास्ता देखने के लिए, चाहे आपको दिख रहा होगा कि इनको ये करना चाहिए पर वो नहीं करते हैं, तो क्या मुश्किल होता है? कभी कभी बेटा बड़ी दुविधा होती है, कभी कभी सच में बड़ा कष्ट होता है। किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो लोग उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। कभी कभी लोग हमारे पास आते हैं हाँ में हाँ मिलाने के लिए आते हैं ना, कभी उनको इन्होंने कोई डिसाइड किया होता, कोई फैसला लिया होता, तो चाहते हैं कि हम उनकी हाँ में हाँ मिला दें। जैसे कोई बिजनेस की पार्टनरशिप कर रहा होता है, कहीं शादी की बात कर रहा होता है। और मैं पिछले 15 साल से बेटा बिल्कुल, पहले कभी कंप्रोमाइज करता था, पिछले 18 साल से अपनी विद्या के साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया। जो मेरी विद्या कहती है वो ही बताने की कोशिश करता हूँ। नहीं समझ में आता तो कहता हूँ मेरी समझ में नहीं आया। और आज भी मैं हम देसी रेडियो की ओर से सभी श्रोताओं को जो कहना चाहूंगा कि मैं इस विद्या का छोटा सा विद्यार्थी हूँ, छोटा सा स्टूडेंट हूँ। आप मुझे कोई गुरु नहीं समझे, अपना दोस्त समझे। मुझे कोई बहुत बड़ा अध्यात्मिक व्यक्ति नहीं समझे, अपना भाई समझे, बेटा समझे, दोस्त समझे, मुझे खुशी होगी। बस अपना समझकर फोन करें अगर आपको किसी दुख ने घेरा हो। 1-877-337-4321 एक्सटेंशन 305 हमारा नंबर, 1-877-337-4321 एक्सटेंशन 305। हमारे साथ परम पूज्य चामुंडा स्वामी जी, शक्ति क्रिया ऑन हम देसी रेडियो। लेट्स प्ले योर वर्ल्ड।